सिटी में, सिटी में हां फोर कनेक्ट अभी सुबह सुबह चाय बना रहे हैं। अभी तक हम अपने भाई के पास थे, यहाँ तक का हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है। अभी हमें आगे का रास्ता देखना है, तो आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा पूरे अपने बैग पैकिंग के साथ, चला जाऊँगा यहाँ से और आगे का रास्ता आगे सोचेंगे। अभी परसों मैंने कमेंट पढ़ा था, कुछ लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया हुआ था कि भाई आप राजस्थान कब जाओगे, राजस्थान का ट्रिप हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं करके। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं नज़र रखा हुआ हूँ, अभी ये बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना अभी COVID-19 के वजह से क्या सिचुएशन है, कुछ डिस्कशन चल रहा है, लॉकडाउन अभी दोबारा करना है कि नहीं करना है ये तो पता नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर जाएंगे, बाद में राजस्थान को भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जाएंगे ज़रूर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे वादा करेंगे और पीछे मुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो बंदर है आसपास साइड में, जाना तो है, देवस्थान मोटो देवस्थान मुंडा गया ये पाँच बार नंगना है इसको। वायन में काय करू से देखता वायन कावा हां तो देव देव के ना गणमे गणमे रात में आउस नहीं देवस्थान देखे हां जना की एवडी घंटांडस को नहीं एडी एवडी आम जो तू होती कटाता ये रोडन जाना हां ये मुंडा पर डूनी तांडा घण एवडी घण ओडी गजेंद्रगढ़ा सा भी घणता है को ओडी घण गजेंद्रगढ़ा सा ओडी मलकेर से तो सांभळो छु एवढी दोणी सावे एवढी आणि ओळी गजेंद्रगडं घेतो खंडापटी सगळं टेंट एल्ला इरताव रे हांगा आता ओपन आगबिडतांग बटन मारद्रे हासकोन चापी सोन मको नाइट का जर्नी करे छनी नाइट करू नी जर्नी ओनली डे डे हाय राजा इधर आ जा। अच्छा आजा आजा। अभी मैं गदक के रास्ते जा रहा था तो यहाँ पर मुझे एक साइड में एक भैया मिले हैं, उन्होंने बुलाया, बोल रहे हैं कि यहाँ पर खाना वगैरह कुछ खा के जाओ करके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब पीछे से आ रहा था तो मैं खाना खा के आया, भैया साइड में बुला के बोल रहे हैं कि कुछ तो पी के जाओ घर में आके करके। बच्चा कुछ बात करना है यार, अभी रोड क्रॉस करते हुए मैं जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बारिश होने लगी, तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पर कहीं पे, अभी मेरे पास तो सब कुछ है, छाता मेरे पास है और टेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी मैं टेंट सब कुछ निकाल के टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं एक खेती है साइड में और उस तरफ मैं जा रहा था। अगर बताऊँ तो उस तरफ रोड है, उस तरह उस रोड से मैं जा रहा था यूं गदक के लिए, तो तेज़ी से बारिश होने लगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बीच में एक खेती है और ये मिर्ची की खेती है, तो यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पर एक झाड़ है, झाड़ के नीचे मैंने शेल्टर लिया हुआ है कुछ पल के लिए, और जब मुझे लगेगा कि मौसम ठीक ठाक है तो मैं यहाँ से फिर से चला जाऊँगा। अभी यार ये देखो इसमें क्या हुआ है, इसका हालत, मेरा जो ये स्लीपिंग बैग है पूरी तरह से भीग चुका है, तो और 5 मिनट में वेट करूंगा, अभी बारिश रुक चुकी है लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट तक वेट करूंगा, अगर फिर से बारिश कंटिन्यू होगी तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर एक पेड़ है, झाड़ है, इससे मुझे थोड़ा वो तो राहत मिलेगा। चलो, अभी काफ़ी तेज़ बारिश थी यार,
इसलिए मुझे यहाँ पर शेल्टर लेना पड़ा था। अभी ठीक है, आगे का सफ़र देखते हैं। इस बात को जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। मैंने आज काफ़ी दूर तो नहीं लेकिन काफ़ी छोटा सा डिस्टेंस को कवरअप करने का सोचा था, लेकिन उसे भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेचर जो है आज मेरे ख़िलाफ़ है। ऐसे में बोल सकता हूँ कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ आगे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा बह रही है, तो इस कारण से मैं साइकिल जो है वो तेज़ी से चला नहीं पा रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी रात होने को है और भी मुझे जाना है 35 किलोमीटर और भी मुझे जाना है, लेकिन मैं आज शायद नहीं जा पाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी, तो रात में ट्रैवल करना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी की मदद ले लूँ, अगर कोई लोकल मुझे यहाँ पर देखेगा, जैसे कि लोग खेती में काम करते रहते हैं उस तरह के कोई मुझे दिखेगा तो मैं जाके मदद मांगूँगा और यहीं पे कैंप मारने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। दोस्तों, मैं रास्ते में जा रहा था गजेंद्रगढ़ा के लिए और अभी किलोमीटर बाकी है, 28 अराउंड 29 किलोमीटर बाकी है मुझे जाना था। तब मैं सोचे जा रहा था कि यार अभी रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, किसी की मदद मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा, या फिर अगर नहीं मिलेगा तो मैं गजेंद्रगढ़ा चला जाऊँगा करके। लेकिन वहाँ पर एक लड़का मिला मुझे, एक भाई मिले, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मतलब डायरेक्टली आके मुझसे बात कर रहे थे कि भैया मुझे भी साइकिलिंग करना पसंद है, मैं भी टूर करना चाहता हूँ इस तरह, वैसे आपको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा करके बात करे जा रहे थे और मैंने भी उनसे बात किया। बाद में बातचीत चल रही थी वैसे ही, बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि मैं गोर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ करके, तो मैंने सोचा कि अच्छा गोर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ठीक है, मैं इनसे गोर बोली में ही बोलता हूँ करके। मैंने गोर बोली में उनसे बातें की, बाद में वो बोले कि ठीक है भैया मैं यहीं पर जा रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके मतलब यहाँ पे खेती में रहते हैं, वो खेती में ही रहते हैं और वहीं पे उनका घर है, तो मैंने बोला कि आपके साथ आ सकता हूँ करके मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ भैया बिल्कुल आप आ सकते हो करके बोला, तो मैं आ गया वैसे ही। अभी वहीं पे है हम और वो जो भाई है अपने वो बाहर बैठे हुए हैं और मेरे लिए वो टी बना रहे हैं, तो उनसे भी मिलवाएंगे जब वो अंदर आएंगे, क्योंकि बाहर जाऊँगा तो बाहर अंधेरा है, लाइटिंग कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। ये भैया भी यहीं पे रहते हैं जो बाहर खड़े हैं, और ये जो है ये बकरियां चराते हैं यहाँ पर, और बकरियां चराते ये जो बैठे हैं छोटू, ये बकरियां चराते हैं और हम उनके साथ में बैठे हैं यहाँ पर। मतलब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। ये जो दिख रहे ये भैया मुझे वहां पर मिले थे, इन्होंने मेरे लिए चाय बना के लाया है यहाँ पर, मैं उनकी खेती में आया हुआ हूँ और काफी अच्छा लगा इनसे मिलके, बातें भी काफी अच्छा कर रहे है। थैंक यू वेरी मच भैया कि आपने मेरा मतलब मदद करने के बारे में सोचा। वैसे वेल एजुकेटेड है, बीएससी कंप्लीट किया है इन्होंने, और जो वेल एजुकेटेड होते हैं वो समझ सकते हैं, मतलब दूसरों का जो प्रॉब्लम होता है वो समझ सकते हैं, और उन्होंने मेरे को बोला कि आप बिल्कुल मेरी खेती को आ सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो करके, और मैं उनके साथ आ गया। तो मेरे भाइयों, ये सब फायर पे हम बना रहे हैं खाना, आज फायर पे पकाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिलेंडर पे ना, मतलब यहाँ के लोगों का मानना है सिलेंडर पे जो बनाते हैं खाना वो टेस्ट नहीं मिलता है ठीक से, तो इसलिए फायर पे यहाँ पे पका रहे हैं और यहीं पे खाएंगे। ये है मेरी बाइसाइकिल, यहाँ पे मैंने रोका हुआ है, खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो भाई मुझे बोल रहे हैं कि चल भैया हम खाना खा लेते हैं करके, तो फिलहाल अभी खाना खा लेते हैं। अभी
अभी सुबह सुबह चाय बना रहे हैं भैया जी, यहाँ पर चाय रखे हुए हैं। और ये मेरी जो अंदर है ये साइकिल है। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से उठ के जाना चाह रहा था, लेकिन बारिश हुई है रात में, अभी भी बूंदे गिर रही है, छोटी छोटी बूंदे, तो अभी जाना मुश्किल है क्योंकि एक कीचड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है। ये तो खेती है, आगे जाएंगे तो आगे भी मड रोड है, तो रोड पे जाना मुझे बिटुमिन रोड तक जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि बिटुमिन रोड अभी दूर है, काफ़ी दूर है, तो अभी नहीं जा सकता। देखते हैं, वेट करते हैं, अगर थोड़ी बहुत तो धूप छाएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा ग्रेट। कीचड़ जो है टायर में जम जाता है, जब बाइसाइकिल में यहाँ से लेके जाऊँगा तो टायर में कीचड़ जम जाता है, मतलब आगे नहीं जाएगी साइकिल, तो ऐसा है। इसलिए अभी मैं सोचे जा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, अगर बाद में धूप छाएगी तो थोड़ा बहुत तो कीचड़ में कमी आ सकती है। तो बस अभी के लिए इतना ही, आगे वीडियो बनाएंगे, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बगल वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके, और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, और आप सबको जय सेवालाल।